विधानसभा चुनाव 2024 में रामटेक विधानसभा की सीट भाजपा को देनी चाहिए, अन्यथा रामटेक चुनाव में बहुत बड़ा मतभेद निर्माण होगा जिसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। यह बात पूर्व विधायक डीएम मल्लिकार्जुन रेड्डी ने पत्रकार से संबोधित करते हुए पत्रकार परिषद के माध्यम से कही। पत्रकार परिषद के माध्यम से पूर्व विधायक ने बताया कि 2014 से 2019 के बीच उनके द्वारा शुरू विकास कार्यों में जो अधूरे काम कार्य पड़े हैं उनको लेकर वर्तमान विधायक को बार बार बोलने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रकार परिषद के माध्यम से हमारे नेताओं को हमने सबके रामटेक के ओर से निवेदन किया है कि भाई रामटेक की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिले। पिछले 5 सालों में मेरे जो कार्यकाल के जो काम बचे हुए वो अधूरे काम अभी भी अधूरे पड़े हुए। हमारे हमेशा इस क्षेत्र के विधायक जी से निवेदन रहा पर उन्होंने उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दी। आने वाले समय पे महायुति से भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिले ऐसे हमें आशा करते हैं, नहीं तो न महायुति में भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली तो रामटेक विधानसभा में एक बहुत बड़ा मतभेद निर्माण होगा लोगों के बीच में, पार्टियों की महायुति की, उसको संभालना कठिन जाएगा। इसलिए चाहते विद्यमान आमदा विधायक जी ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टिकट के लिए उन्होंने सहयोग करना चाहिए।